हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रितेश सोलकम है, आपका मेरी रेडियो चैनल ओनेटिज्म है। और आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारे बेलपाड़े वाला सीरीज में, तो उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। तो अभी एक टाइम आ गया आपके लिए, वहाँ का जो डीजे कंपटीशन हुआ उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी देना कि वहाँ पे कैसे हुआ, कैसे नहीं, कौन सा डीजे का क्या लगा हुआ था क्या नहीं, और झारखंड वाले डीजे का क्या डिफरेंट था बंगाल वाले का डीजे से, वो सब की जानकारी आपको देंगे। और उम्मीद करेंगे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में सब डिटेल वाला जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं बंगाल वाले डीजे पे, जहाँ पे उन लोग का एक क्या बोलेंगे कैटेगरी है कि ये वाला डीजे का ये नाम है, उस टाइप से एक डीजे का नाम रखा गया है 4x4। A few moments later. तो भाई लोग, वीडियो बनाते बनाते बारिश आ गया, जिसके चलते थोड़ा सा हम लोग को रुकना पड़ा यहाँ पे। देख सकते हैं आप उधर सब तरफ पानी भींगा हुआ है रास्ता सब। तो चलिए आप मेन मुद्दे पे आते हैं कि वहाँ पे किस टाइप का सेटअप किया हुआ था। तो वहाँ पे दो तरह का सेटअप किया हुआ था, एक था जो वेस्ट बंगाल में चलता है आपका 4x4 और 10x9। उसके बाद हम लोग का झारखंड में जो चलता है बड़ा अनलिमिटेड कि आप एक LPD में जितना भी बांध सकते हो। तो दो तरफ का सेटअप किया था। और हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल वाला सेटअप का, तो उनका जो 4x4 वाला सिस्टम रहता है तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि 4x4 एक्चुअली में होता क्या है। 4x4 का फॉर्मूला उन लोग का ये है कि जो नीचे में 4x4 जो चार बेस लगा हुआ है उसमें चार स्पीकर है, चार 18 है एक में, तो चार स्पीकर वाला जो 18 है वो चार पीस है, मतलब आपका 16 पीस हो गया। उसके बाद ऊपर में आप मिड देख सकते हैं, उसमें भी आपका 4x4 टाइप से बना हुआ है, एक में चार स्पीकर है, मतलब ऊपर आपका मिड 16 स्पीकर, नीचे आपका 16 32 स्पीकर। और जहाँ तक हमको छोटा मोटा जानकारी मिला है उसके हिसाब से वहाँ पे जो कमेटी का एक रूल है कि वहाँ पे आप सिर्फ 32 स्पीकर ही यूज कर सकते हो रोड शो में, तो उसका अच्छा तरह से वहाँ पे क्या बोलेंगे उस चीज़ को फॉलो भी किया जाता है 32 स्पीकर को। इसीलिए सब डीजे वाले ने आपने देखा होगा कि 32 स्पीकर वाला ही सेटअप को रोड शो कर रहा था, यानी कि 4x4। और जो आप मैदान साइड में देखे होंगे जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था आपका पावर और सार्जन का, वहाँ पे पावर म्यूजिक का और एक सेटअप था जो कि बड़ा सेटअप था, और वो सेटअप था 10x9, मतलब आपका 10 18 वाला एक बेस पिन होता है वो चार पीस था, और 9 स्पीकर वाला एक मिड होता है जो कि ऊपर में आप पांच पीस देखे थे वो था। तो कंपटीशन आपका बोला जाए तो पावर हुआ, KTM हुआ, फिर गोस्वामी हुआ, न्यू दास म्यूजिक हुआ, बर्मन म्यूजिक हुआ, ये सब फुल्ली कंपटीशन के मूड में आए थे। एक्चुअली में हुआ सब कंपटीशन के लिए आया था, लेकिन अब बाद में आपको डिटेल बताते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं पावर म्यूजिक का। पावर म्यूजिक का सेटअप आपका सार्जन का जहाँ पे रेडी हो रहा था वहीं बगल में सेटअप रेडी हुआ, और जब सबसे पहले आपका गोस्वामी म्यूजिक पावर म्यूजिक के सामने आ रहा था तो पावर म्यूजिक साउंड चेक करते ही उसके साथ कंपटीशन किया। तो हम दाद देना चाहेंगे पावर म्यूजिक को कि आपका सेटअप जैसे ही रेडी हुआ आप वैसे ही कंपटीशन के लिए उतर गए। और बहुत कम ऐसे देखना मिलता है कि कोई डीजे सेटअप तुरंत रेडी किया और तुरंत कंपटीशन के लिए ले गया। तो पावर म्यूजिक के लिए एक लाइक तो बनता है कि उसने इतना बड़ा कंपटीशन वहाँ पे कर लिया, वो भी एक सेटअप के साथ नहीं, तीन सेटअप के साथ। उसमें से कौन कौन से सेटअप है, गोस्वामी डीजे एक हुआ, दूसरा हुआ आपका बर्मन म्यूजिक, और तीसरा न्यू दास म्यूजिक, तीनों सेटअप के साथ वहाँ पे कंपटीशन किया, वो भी रेडी होने का तुरंत बाद ही। और बात करें वहाँ पे रोड शो का, तो उसका भी वहाँ पे पहले से ही गाइडलाइन किया गया था कि आपको कितना बजे तक रोड शो करना है, कितना बजे से निकालेंगे तो आप वहाँ पहुँचिएगा, वो सब पहले उनको जानकारी था। ऐसा नहीं है कि कोई कोई डीजे वाला को नहीं जानकारी था, सब कमेटी को बता दिया गया था कि वहाँ पे क्या कैसे टाइमिंग दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से वहाँ के जो डीजे थे वो सब तो पहले ही निकल गए मैदान के लिए जहाँ पे कंपटीशन होगा, तो उनको रोड शो भी अच्छा ही हुआ क्योंकि उनका सेटअप छोटा तो नहीं बोलेंगे, आपको सेटअप छोटा दिख रहा था लेकिन सेटअप क्या ही बोले वो बाद में बताएंगे आपको, सबसे पहले आपको डिटेल जानकारी देना चाह रहे थे। वो हुआ आपका बंगाल का सेटअप। आप बात करते हैं झारखंड के सेटअप का, जिसमें एक था सार्जन और एक था आपका पंकज डीजे। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्जन का सेटअप का, तो आपको बता दें सार्जन का सेटअप में ना एक बेस में 6 स्पीकर लगा था, यानी कि आपका 14 बेस था उसके पास, 14x84, यानी कि आपका डबल के हिसाब से बात करेंगे ना तो एक बेस का उस हिसाब से बात करेंगे तो आपका 42 बेस हो रहा था टोटल। सार्जन के कैबिनेट में जो सेटअप लगा हुआ था, अगर टोटल स्पीकर को हम काउंट करते हैं तो
तो उसमें सिंगल डबल बेस के हिसाब से आपको 42 बेस का पावर मिल रहा था, और वेस्ट बंगाल का जो 4x4 के हिसाब से बात करेंगे तो उसके हिसाब से डबल बेस के हिसाब से एक सेटअप में 8 बेस और 4x15 वाला लाइनर 4 पीस। तो आपने सेटअप का डिटेल तो जान लिया, अब बात करते हैं कंपटीशन का। किसका कंपटीशन, कितना बार किसके साथ हुआ, तो आपको बता दें पावर म्यूजिक ने सब डीजे के साथ कंपटीशन किया। गोस्वामी म्यूजिक, उसने भी आप मोटा मोटी समझ सकते हैं सार्जन और पंकज को छोड़ के सब डीजे के साथ कंपटीशन किया। फिर बर्मन म्यूजिक, उसका भी वैसे ही है, उसने भी सब डीजे के साथ कंपटीशन किया आपका पावर और सॉरी सार्जन और पंकज को छोड़ के। फिर आप अगर बात करते हैं हमारे झारखंड का डीजे का, तो उसमें पंकज डीजे, तो सच बताए तो दोस्तों पंकज डीजे ने इस बार बहुत ही ज़्यादा हम लोग को नर्वस किया। पंकज डीजे क्या करना चाह रहा था, क्यों किया था, उसको भी नहीं पता, और उसका जितने भी चाहने वाले हैं उनमें से हम भी है, हमको भी नहीं पता कि वो वहाँ पे कर क्या रहा था। अब क्या बोले, उसके पास वीडियो बनाने भी गए थे, साफ साफ मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। हमने पावर म्यूजिक से भी पूछा, उसने तुरंत हाँ बोल दिया बनाइए। सर्जन भैया इतना बिजी थे, उससे भी पूछे कि वीडियो बना सकते हैं क्या, तो बोला हाँ खुल के बना सकते हो, बट हम कुछ नहीं बोल सकते, हमको मत पूछना कुछ। सोचिए वहाँ पे सब डीजे वाले एग्री हुए वीडियो बनवाने के लिए, आप बना सकते हो। सार्जन डीजे हुआ, पावर डीजे हुआ, गोस्वामी डीजे हुआ, बर्मन डीजे हुआ, सबने साथ दिया, वीडियो आप बनाइए जितना बनाना है बना सकते हो। लेकिन पंकज डीजे का क्या ही बोल सकते हैं, पहले ही मना कर दिया। अब उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका सेटअप रिवील नहीं करना चाहता था या फिर और कोई रीजन होगा। आप इतने बड़े कंपटीशन लेवल पे गए हो, इतने सारे लोग हैं, जाहिर सा बात है आप नहीं भी बनाने दोगे भी तो कोई आपका फुटेज लीक कर ही देगा, ये तो हर किसी को पता है। पता नहीं वो क्यों नहीं बनाने दिया, तो उसका बात तो छोड़िए, लेकिन उसका सेटअप का डिटेल बता दें। उसका सेटअप में 4x15 वाला बेस 15 पीस था, यानी कि आपका 30 बेस का पावर था उसका सेटअप में, और सेटअप अच्छा बज रहा था, लेकिन बहुत निराशा किया उसने, कंपटीशन भी नहीं हुआ और रोड शो भी हुआ तो जिस टाइप से सेटअप था उसका वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिला उससे। तो कोशिश करेंगे उसका सेटअप और कभी कहीं पर होगा तो दमदार धमाका मचा देगा, क्योंकि पंकज डीजे ऐसे डीजे है आपको पता है, कभी भी जब बाजी पलट सकता है। आपने इससे पहले देखा होगा उसका कितना अच्छा अच्छा सेटअप तैयार हुआ था और कितना अच्छा अच्छा रोड शो किया, तो पंकज डीजे को हम कम नहीं बोल सकते, कभी भी बाजी पलट सकता है, क्योंकि वो भी एक झारखंड का नामी वाला सेटअप है, जाना माना सेटअप है, उनका भी बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। तो पंकज डीजे को आगे का जो रोड शो है या फिर कंपटीशन है उसके लिए अभी से ही तैयारी होने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका सेटअप अच्छा से अच्छा हमको देखने मिलेगा, तो उनके लिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे। अब बात करते हैं सार्जन का, तो उसका सेटअप तो क्या ही बोले, इतना बड़ा सेटअप था, धमाका मचाने वाला सेटअप, दिल खुश। हम पहले ही वीडियो में बोले थे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा सेटअप देख के, आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी कई हाई लेवल का सेटअप है उसका, बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ा विशाल सेटअप था, बहुत बड़ा, कोई वर्ड नहीं है उसका सेटअप का लुक का तारीफ करने के लिए, जबरदस्त सेटअप था उसका। अब बात करते हैं चलिए कंपटीशन का, तो कंपटीशन कितना बजे हुआ, तो पहले ही वीडियो समय बताया गया था वहां का वीडियो में कि कंपटीशन 1 बजे से शुरू होगा वो भी मैदान में। आप अपना सेटअप को रोड शो में लेके आइए और 1 बजे से आप कंपटीशन कीजिए मैदान में, आपको जितना कंपटीशन करना हो कर लीजिए। और उसका यूज भरपूर पावर म्यूजिक ने किया, सब डीजे के साथ कंपटीशन किया, लोगों को पूरा दिल खुश झूम कर आया। जितने भी लोग वहां पे थे, हमारे झारखंड से भी गए थे, बंगाल से गए थे, उड़ीसा से थे, छत्तीसगढ़ से गए थे, मैदान में सबको पावर म्यूजिक ने भूकंप जैसे हिला दिया, सबका दिल खुश कर दिया वहां पे। फिर बात करते हैं बड़ा कंपटीशन का, उसके लिए लोग बहुत इंतजार करना पड़ा लोगों को, जी हाँ आप सही सुने, बहुत इंतजार करना पड़ा, यहाँ तक कि 4 से 5 घंटा इंतजार किया वहां पे। फिर शाम हुआ, रात होने को आया, फिर आपका डीजे सार्जन आता है और एक कंपटीशन आपका पावर म्यूजिक के साथ होता है। आप लोग जानना चाहते हैं, इतना हम लंबा चौड़ा बोल दिए, आप लोग का एक ही वीडियो देखने का मकसद है कि कंपटीशन में कौन जीता, पावर जीता या फिर सार्जन जीता, सब कोई आप यही देखना चाहते हैं कि सार्जन और पावर में किस लेवल पे किस आगे जा रहा था, सब आप चाहते हैं कि किसका सेटअप अच्छा बज रहा था और कौन जीता, सार्जन और पावर में किसका सेटअप दमदार बज रहा था, किसका सेटअप कौन सा क्वालिटी दे रहा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर क्वालिटी का, कि दोनों में से किसका डीजे का क्लियरिटी सबसे ज्यादा था।
तो मेरे हिसाब से तो वहाँ पे क्लियरिटी के मामले में हम सार्जन को आगे करेंगे, क्योंकि उसका सेटअप जो मिड दे रहा था ना, लाजवाब था, दिल खुश कर दिया उसका सेटअप का मिड सुन के, तो मस्त था, मतलब आप उसका क्वालिटी समझ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल का था, अच्छा था। लेकिन वो कंपटीशन नहीं था, वो क्वालिटी का बात कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपटीशन का, कंपटीशन में बेस किसका ज़्यादा था, प्रेशर किसका ज़्यादा था, पंच किसका ज़्यादा था, तो भाई आपको बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, पावर डीजे का जो कंपटीशन वाला जो सॉन्ग बजता है ना, भूकंप ला देने वाला क्वालिटी उसका द्वारा आ रहा था कंपटीशन में, एक नंबर पावर म्यूजिक जो हमने पहले सुना था, जब वाकई में हमने उसको फील किया तो सच में दोस्तों जबरदस्त बेस के साथ इतना ज्यादा वाइब्रेशन था ना लॉन्ग थ्रो तक, आप दिल खुश हो जाएगा आप अगर उसका सेटअप सामने से सुने होते तो। तो हमारा ओपिनियन तो यही था कि आप अगर मिड में जाएंगे तो आपको सार्जन का अच्छा लगेगा, ट्विटर में जाएंगे सार्जन का अच्छा लगेगा, क्वालिटी में जाएंगे सार्जन का, हमको आपको यही बोलना है कि सार्जन का सब कुछ अच्छा था उसमें, लेकिन कंपटीशन का आप जब भी बात करेंगे तो उसमें पावर म्यूजिक आगे बढ़ के आता है। पावर म्यूजिक का जो क्वालिटी था, वाइब्रेशन था, आपका कंपटीशन वाला लेवल जो था ना वो बहुत हाई लेवल था, दोनों का ही सेटअप अच्छा था, लेकिन कंपटीशन में आप बोल सकते हैं पावर को ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसके तरफ बजता ही वैसे सॉन्ग है। आप हमेशा उसका डीजे में सुनिएगा सिर्फ और सिर्फ हम्बिंग, सिर्फ और सिर्फ बेस, उसका जो 4x4 वाला भी सेटअप था ना दमदार था, उसमें 8x20 चार लाइनर लगा हुआ था, लेकिन अच्छा खासा सेटअप को बटक कर दे देगा, यहाँ तक कि पंकज का जो सॉरी 30x20 वाला सेटअप था उससे भी धमाका था, यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि आप सार्जन का जो फुल सेटअप था उसको भी टक्कर देने वाला सेटअप था, और वो सेटअप किसका था, पावर का 4x4। तो आपको शायद फुल जानकारी मिल गया होगा, बोलना तो और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो बोलेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, आप भी बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे कंपटीशन में हार जीत तो नहीं होता है, कंपटीशन में बहुत कुछ देखा जाता है, तो बहुत कुछ के हिसाब से पावर म्यूजिक आगे जा रहा है, क्योंकि उसने सब डीजे के साथ कंपटीशन किया था। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे और जहां भी कंपटीशन होगा कोशिश करेंगे आपके लिए एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो लेके आए। तो अभी के लिए हमको जाने दीजिए, थैंक यू।